नमस्कार आपकी अदालत में आपका स्वागत है आपकी अदालत में कभी कभी ऐसा होता है कि इल्जाम और सवाल एक व्यक्ति पर नहीं लगते किसी पार्टी पर लगते हैं कुछ पर्सनलिटीज को परिस्थितियों की सफाई देनी पड़ती है आपकी अदालत में आज हम आमंत्रित कर रहे हैं एक ऐसी पर्सनिटी को जो केंद्र सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रहे हैं और जाने माने वकील हैं कांग्रेस पार्टी में आजकल जो कुछ हो रहा है पिछले चार दिनों में जो कुछ खटा है उस पर सफाई देने के लिए इनसे बेहतर और कौन हो सकता है पेश है आजकल यूनियन मिनिस्टर कपिल सिब्बल

राजनीति की दुनिया में तूफान खड़ा कर दिया लोकसभा की सदस्यता से और एन की अध्यक्षता से त्याग पत्र देती हूँ कांग्रेस पार्टी इसे त्याग बता रही है विरोधी दलों ने इसे राजनीतिक मजबूरी का नाम दिया सबसे ज्यादा उंगलियाँ उठ रही हैं कांग्रेस के लीगल एक्सपर्ट्स पर। कांग्रेस के पास एचआर भारद्वाज और कपिल सिब्बल जैसे कानून के जानकार हैं चिदंबरम और शिवराज पाटिल जैसे सलाहकार हैं लेकिन फिर भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के सवाल पर कानून में संशोधन का फैसला नहीं किया गया सोनिया गांधी को पार्टी में इतने बड़े बड़े लीगल एडवाइजर्स की मौजूदगी के बावजूद सही समय पर सही सलाह नहीं मिली आज का मुकदमा इसी पृष्ठभूमि में इसी बैकग्राउंड में चलाया जा रहा है कपिल साहब आपने जिंदगी भर इस जगह खड़े होकर गिर की है मुबारकबाद आपको देना चाहता था पहली बार जिंदगी में आरोपी के तौर पर मैं यहाँ बैठा हूँ <laughs> तो मुकदमा शुरू करते हैं आपकी अदालत में पहला इल्जाम कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कपिल सिब्बल पर आपकी अदालत में यूनियन मिनिस्टर कपिल सिब्बल पर आरोप है कि इन्होंने सोनिया गांधी को सही सलाह नहीं दी कपिल ये कहा जा रहा है कि आपके जैसे बड़े बड़े कानून के विशेषज्ञ कांग्रेस पार्टी में मौजूद हैं सरकार में आप मंत्री हैं लेकिन सोनिया गांधी को किसी ने यह नहीं बताया कि जिस पद पर वो थीं वो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट था उसको लेकर के उन्हें समस्या पैदा कर हो सकती है वैसे तो रजत जी इस पर भी बहस हो सकती है अब बहस का वक़्त तो निकल गया लेकिन बहस इस पर भी हो सकती है क्योंकि संविधान धारा एक कहती है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मस्ट बी एन ऑफिस पहली बात उसको ऑफिस होना चाहिए फिर उसको ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए फिर उसको अंडर द गवर्नमेंट होना चाहिए तो ये बात खैर मैंने इस पर तो अभी पीछे चंद दिनों पीछे ही गौर किया है मैं समझता हूँ ऑफिस तो है ये और शायद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी है लेकिन ये अंडर द गवर्नमेंट नहीं है लेकिन तो, 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 तो इस पर भी बहस हो सकती है लेकिन बहस का वक्त चले गया क्योंकि भेड़चाल चल रही है आरोप आडवाणी जी कह रहे हैं कि जया बच्चन को डिस्कवालीफाई अगर हो सकती हैं तो सोनिया गांधी को भी डिस्कवालीफाई करना चाहिए जस्ट इस देश में बड़े बड़े नेता इस स्तर पर बहस करने लगे लेकिन तो फिर भेड़चाल चलती है कोई सोचता ही नहीं है कानून की बारीकियों के बारे में लेकिन आपको अंदाजा लगाना चाहिए था ना कि सिर्फ कानून नहीं राजनीति भी चलती है तो राजनीति अगर उन्होंने राजनीति की तो जवाब उनको अच्छा मिल गया आपको लगता है कि उनको जवाब मिल गया जवाब तो जनता देखिए जब चुनाव आएंगे तो पता चलेगा जनता से कि जवाब क्या मिला है देखिए जो ताजुब की बात यह है कि अडवाणी जी खुद लीडर ऑफ अपोजिशन होते हुए उनको कैबिनेट रैंक है और कैबिनेट रैंक के होते हुए उनके पास दफ्तर भी है और उनको सैलरी भी मिलती है स्पेशल सैलरी भी मिलती है और इसी कानून के तहत उनको एग्जैम्पन मिला है जो खड़े होकर आरोप लगा रहा है उसको खुद एग्जैम्पन मिला है और कह रहा है कि जिसको एग्जेप्शन देने जा रहे हो वो गलत है आप मुझे बताओ जनता ही बताए कि इसका कोई तथ्य है खुद एग्जेम्पन ले रहे हैं आप एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन और सोनिया जी को कह रहे हैं कि कानून इसलिए बनाया जा रहा है कि आपको इंजेम्पन दिलवाई जा रही है कमाल है भाई कपिल लग रहा 1977 में विरोधी दल के नेता जिस पद की आप बात करें उसको एग्जैम कर दिया था 1992 में 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 जब बना था उसके को 1993 में और 1999 में जो चीफ विप थे पार्टी के के इन सब को कर दिया बिल्कुल सही बात आप कानून के जानकार हैं 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 भारद्वाज कांग्रेस पार्टी में वकीलों की तो कमी नहीं है जिस समय सोनिया गांधी नेशनल एडवाइजरी चेयरपर्सन बनी उस समय आपको सलाह देनी चाहिए थी नहीं किसी ने ज़रूर गौर किया होगा और शायद उसने यही सोचा होगा कि जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल है वो अंडर द गवर्नमेंट नहीं है हो सकता है कि ऐसी बात हो लेकिन अब ये बात तो टेस्ट हो ही नहीं सकती क्योंकि बात अब बात तो इलेक्शन कमीशन के पास जाएगी ही नहीं हो सकता है वो पोजीशन सही हो लेकिन अब बहस की तो जरूरत नहीं है लेकिन आप ये नहीं समझते कि उस समय जो कानून के लोग हैं उनको सोच जैसे पहले इतिहास में किया गया जब जरूरत पड़ी कानून बदल दे वो अलग बात है गवर्नमेंट है।, तो है, है जो आदेश सरकार देती है विमेंस कमिशन को वो पालन करने पड़ते हैं एस सी कमीशन अंडर द गवर्नमेंट है माइनॉरिटीज कमीशन अंडर द गवर्नमेंट है एन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको सरकार कोई आदेश नहीं दे सकती है लेकिन खर्चा इसका प्रधानमंत्री बोला ना आपको ऑफिस प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट तो खर्चा भी हो सकता है सरकार बजट भी दे सकती है लेकिन ये एन सरकार के अधीन नहीं है लेकिन आप ये मानते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी के लीगल माइंड्स हैं जिसमें आप भी शामिल हैं अगर आप लोग सही वक्त पर सही सलाह दे देते तो ये स्थिति पैदा नहीं अगर होती हम हमें ये मालूम होता कि ऑपोजिशन इस हद तक केवल एक व्यक्ति के खिलाफ आरोप लगाएगी जब उनको मालूम है कि चवालीस ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जिनके लिए एग्जामेशन हमें देना पड़ेगा अगर हमें पता था कि इस पता होता कि इस हद तक राजनीति की गिरावट आ जाएगी तो ज़रूर हम करते लेकिन ये शुरुआत तो आपने की जब जया बच्चन के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम लगे जब उनकी मेंबरशिप जाने लगी खेल तो तब शुरू हुआ हमने तो बिल्डों किया ये तो क्या आप सोचते हो कि चुनाव आयोग कांग्रेस पार्टी के इशारों से चलता है

मान जाता हूँ नहीं मुझे वाकई मुझे वाकई नहीं मालूम क्योंकि मैं इतनी मुझे जानकारी पार्टी लेवल पे नहीं है कि कौन उम्मीदवार है कौन कौन कांग्रेस पार्टी का मेंबर एक्टिव मेंबर है सारे हिंदुस्तान में सबके नाम मुझे नहीं मालूम लेकिन मैं मान भी जाता हूँ कि हाँ उन्होंने ऐसे किया तो आपको लगता है कि क्योंकि जया बच्चन का जो ऑफिस है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है इसलिए सोनिया गांधी जी का भी ऑफिस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है नहीं सिलसिला शुरू हो गया इस सिलसिला क्या शुरू हुआ जया बच्चन जी का ऑफ़िस क्या है उत्तर प्रदेश फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल उत्तर प्रदेश का एक अंग है सरकार के अधीन है लेकिन और वहाँ जो बहस हुई जया बच्चन जी ने क्या बहस की वो मैंने जजमेंट पढ़ा है जया बच्चन जी ने कहा ये तो ऑफिस ही नहीं है फिर कहा कि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ही नहीं है और जो मुझे पैसा मिलता है और जो मुझे कैबिनेट रैंक दिया जाता है वो इसलिए दिया जाता है क्योंकि मैं फिल्म पर्सनैलिटी हूँ और ये नहीं कहा कि ये अंडर द गवर्नमेंट नहीं है तो चुनाव आयोग ने उन्हें खिलाफ कर दिया अब इसका सोनिया गांधी जी की नेशनल एडवाइजरी काउंसिल से क्या ताल्लुक अगर अगर कहीं ना कहीं आग लगेगी तो धुआं तो कई जगह से उठेगा भाई आग कहीं और लगती है तो धुआं कहीं और तो नहीं निकलता आग तो जहां जहां आग, जहां आग लगेगी वहीं धुआं निकलना चाहिए ना? मैं आप, आप तो आग कहीं और लगा रहे हो और धुआं कहीं और निकाल तो मैं आपको आपके घर की आग के बारे में बताता हूं मेरे घर की जो आग है ना

आप कहते हो कि करणजीत सिंह जी का ऑफिस ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है सोमनाथ जी का जो वो जो ट्रस्ट में मेंबरशिप है उनकी शांति निकेतन में वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है क्या आपसे कहने से या अडवाणी जी से कहने से ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो जाता है मुझे तो इस बात की मुझे जनता को मैं तो समझने की कोशिश कर रहा हूं कि एक एक ऑपोजिशन लीडर ने कह दिया ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो गया मैं आपको आप संविधान में कोई डेफिनेशन नहीं है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की कोई डेफिनेशन ही नहीं है तो कौन तय करेगा अडवाणी तय करेगा अरुण जेटली तय करेगा कि अदालत तय करेगी यहाँ तो ऐसा लग रहा है कपिल सिब्बल सब कुछ ते ना, ते ना, मैं नहीं तय करूंगा मैं तो आपको अपने ओपिनियन दे रहा हूं कि अनपढ़ों अन कुछ अनफॉर्चुनेटली हमारी राजनीति में अनपढ़ लोग घुसे हुए हैं और जब तक हम राजनीति में पढ़े लिखे लोग जिनको थोड़ी बहुत जानकारी है वो नहीं लाएंगे उनका अपना कर्तव्य नहीं समझेंगे तब तक राजनीति में कोई सुधार बहुत मैं आपको बहुत पढ़े लिखे बहुत विद्वान डॉक्टर करण सिंह की बात बताता हूँ डॉक्टर करण सिंह ने कहा कि जया बच्चन का ऑफिस भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है और बड़ा अनफॉर्चुनेट है दुर्भाग्य हो, हो सकता है ये मतलब नहीं देखिए सुप्रीम कोर्ट के भी फैसले गलत होते हैं अब आपको याद होगा कि जब कई सुप्रीम कोर्ट के ऐसे फैसले हैं जो हम मानते हैं गलत है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि क्योंकि जया बच्चन के केस में इलेक्शन कमीशन ने फैसला दे दिया वो हमेशा सही रहेगा हो सकता है गलत भी हो तो करण सिंह का अपना ओपिनियन है वो सही हो सकता है ओपिनियन देखिए अदालत के जो फैसले हैं वो सही हो या गलत हो वो अलग बात है लेकिन वो बाइंडिंग रहते हैं तो जया बच्चन जी का फैसला उनके खिलाफ है बाइंडिंग है सही है या गलत है करण सिंह जी हो सकते हैं सही हो तो ये सिलसिला कहा जाकर रुकेगा जब तक राजनीति में सुधार नहीं आएगा और राजनीति तो कभी सुधार आएगा नहीं हाँ और राजनीति में जैसे लोग चौकन्ने रहेंगे तो जरूर आएगा आपकी अदालत में आज इल्जाम और सवाल के घेरे में है जाने माने वकील केंद्र सरकार में मंत्री और कांग्रेस पार्टी के नेता कपिल सिब्बल आपकी अदालत में अगला इल्जाम कपिल सिब्बल। आपकी अदालत में कपिल सिब्बल पर इल्जाम है कि इनकी सलाह ने पार्टी को एम्बेरस किया कपिल साहब आप... मैंने सलाह ही नहीं दिया क्या है की <laughs> तो ये, ये, ये बता दीजिए यही प्रॉब्लम है यही प्रॉब्लम राजनीति में है यही प्रॉब्लम पत्रकारों में है तो यही <laughs> तो ये बता दीजिए तो ये बता दीजिए कि ऑर्डिनेंस लाने की सलाह किसने दी आपको देखिए जब ऐसी अदालत में आए तो जनता के सामने स्पष्ट और सच बात रखनी चाहिए उसी में बचाव है हाँ। नहीं, अच्छी बात है अच्छी बात ऐसा, ऐसा होना चाहिए जी। देखो सत्य ये है कि ये बात सब लोगों को मालूम हो गई कि भाई ऐसा है इसमें गड़बड़ी होगी सच बात ये भी है कि ओपोजिशन के लोगों ने कुछ हमारी पार्टी के लोगों से कहा कि साहब ऐसा है, इसका सुधार होना चाहिए ठीक है सच बात अब ये भी निकल के आ रही है और मैं तो अखबारों में ही पढ़ता हूँ कि साहब कुछ कुछ किन किन कई कि, कि, लोगों ने ओपोजिशन के लोगों से बात की कि आप बताइए कौन से ऐसे पद हैं जो आप इस लॉ में लाना चाहते हो तो मतलब के सेशन के दो दिन ख़त्म होने से पहले सभी की यही सलाह थी कि हाँ ऐसा लॉ लाया जाएगा और सबका बचाव होगा क्योंकि एक आदमी की बात नहीं है चवालीस आदमियों की बात है और केवल केंद्र में बात नहीं है सारे प्रदेशों में भी ऐसी बातें आप देख रही हो झारखंड में क्या हुआ और उत्तरांचल में क्या हुआ लेकिन जब इंडियन एक्सप्रेस ने खबर छापी और अगले दिन सारे पार्लियामेंट का मूड अलग हो गया ठीक है मूड क्यों अलग हुआ क्योंकि अपोजिशन ने सोचा कि ये एक मौका है क्योंकि इनका तो केवल एक मुद्दा है कि सोनिया गांधी के, के, के खिलाफ आप आरोप लगाते जाओ तो उनको लगा कि भाई देखो ये एक मौका मिला है बढ़िया तो सोनिया गांधी के खिलाफ हम आरोप लगाते हैं कि सारा जो सो तो लॉ बदलने जा रहा है वो केवल सोनिया गांधी जी के लिए अच्छा वो आखिरला दिन था पार्लियामेंट का एक दिन में कोई लॉ भी नहीं हम ला सकते ठीक है और अगर पार्लियामेंट समझ लीजिए ऐसे ही अर्डन हो जाता दस मई तक तो बीच में क्या होता यही लोग जो राष्ट्रपति जी के पास गए थे फिर इलेक्शन कमीशन के पास जाते कि आप सोनिया जी के खिलाफ पिटिशन में नोटिस करो ठीक है ना फिर अगर विधायक दस मई को लाया जाता तो फिर ये कहते कि साहब देखिए अब तो सोनिया जी आरोपी हैं उनके खिलाफ पिटिशन भी हो गया बाकी लोगों के खिलाफ भी हो गया अब ये सोनिया जी के बचाव के लिए एक विधायक ला रहे हैं और देखिए सारी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में इंटरफेयर कर रहे हैं तो आप मुझे बताइए आप मेरी जगह होते तो क्या सलाह देते तो ये बात सही है कि ये सारी तैयारी इसलिए हो रही थी कि आपको लगता था विरोधी दल सोनिया गांधी को की कोशिश ये सलाह इसलिए है कि चाहे हम बाद में करते या पहले करते नतीजा एक ही होता क्योंकि उनकी तो पॉलिटिक्स ही एक है एंटी सोनिया गांधी ये कोई उससे ज्यादा तो सोच भी नहीं सकते नहीं तो नेशनल मुद्दे उठाए उठाएं ये तो उठाते ही नहीं है और अब सारी बात सामने आ गई सब एक्सपोज हो गए क्योंकि ये खुद झारखंड में उसी लॉ को साइनेड एजर्न करके लेजिस्लेचर को पास कर रहे हैं आप खुद ही सोचिए झारखंड में इन्होंने क्या किया और असाइनेड एजर्नमेंट किया जिसके खिलाफ है ये और साथ में लॉ पास कर दिया जिसके खिलाफ है ये तो उठ के क्यों नहीं कहते कि भाई अपने बीजेपी मेंबर ऑफ कि को, को, आपको कोई हक नहीं है गांधी के लिए और का लिए। ये इनकी लेकिन आप ये मानते हैं कि सोनिया गांधी को इसकी कोई जानकारी नहीं थी अध्यादेश के बारे में पार्लियामेंट को सैनिडाइडन करने के बारे में अंधेरे में रखा गया ऐसा है कि बड़े बड़े राजनीति में जो लोग होते हैं चाहे वो अडवाणी जी हों चाहे वो वाजपेयी जी हों चाहे वो सोनिया जी हों वो इन बारीकियों में नहीं जाते ये बारीकी हम लोगों के लिए हैं हमें सलाह देनी चाहिए कि सही क्या है या गलत क्या है और अगर हम सही सलाह नहीं देते तो लीडर को नुकसान होता है स्थिति ये है और हमें ख़ुद ख्याल होना चाहिए कि लीडर को कैसी सलाह दें और यही बात है और इससे कोई ज्यादा तो बात इस बार किसी ने कहीं गलत सलाह जरूर नहीं ये नहीं मैं कह रहा मैं कह रहा हूं कि ये ये सलाह अगर मैं सोचता हूं कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है तो मेरी सलाह गलत नहीं थी ये तो बारा, सारा मुद्दा ही राजनीतिक मुद्दा बन गया ना यो लीगल इशू तो है ही नहीं अगर लीगल इशू होता तो मैं बहस करता लेकिन आज ये मुद्दा है राजनीति का मैं कपिल राजनीति की बात कर रहा हूँ मैंने ये सुना है कि सोनिया गांधी इस बात से काफी नाराज हैं कि ऑर्डिनेंस लाने के बारे में पार्लियामेंट को करने के बारे में इस वजह से सारी बातों के ऊपर आ गई क्यों नहीं नाराज हो क्यों नहीं नाराज हो क्योंकि विपक्ष का मुद्दा ही एक है विपक्ष ने यह तो नहीं कहा कि चवालीस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन्वॉल्व है विपक्ष ने तो यह कहा कि ये सारा जो विधायक है यह सोनिया जी के लिए है जब विपक्ष को मालूम है कि चौलीस चालीस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसमें इन्वॉल्व है तो विपक्ष को कहना चाहिए था कि सोनिया जी यह केवल आपके लिए नहीं है चवालीस मेंबर के लिए है सारे चौलीस मेंबर को डिस्कवालीफाई करो लेकिन यह तो विपक्ष की राजनीति ही नहीं है लेकिन जिन लोगों ने ऑर्डिनेंस लाने का प्लान बनाया आपके साथी हैं कैबिनेट कोलिग्स हैं उनके बारे में तो बताइए मैं आपको बताता हूं देखिए जहां तक ऑर्डिनेंस लाना या ना लाना का सवाल है मुझे आप मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं इसमें फ़र्क क्या पड़ता है ऑर्डिनेंस ले आओ और फिर उसकी बहस होगी संसद में वो पारित होगा होगा या नहीं वो संसद में बहस होकर होगा अगर ऑर्डिनेंस नहीं लाते तो फिर भी बहस होगी संसद में तो इसमें फर्क क्या है मुझे बताओ आप इसमें क्या उनका ऑब्जेक्शन प्रोसीजरल था या सब्सटेंटिव था आरोप तो उनका यह था कि सोनिया जी को डिसमिस करना चाहिए। मतलब कि सोनिया जी को डिसक्वालीफाई करना चाहिए यह नहीं था कि ऑर्डिनेंस लाओ या विधेयक लाओ ये प्रोसीजरल इश्यू तो था ही नहीं अडवाणी जी का या बीजेपी का नहीं, जो माहौल खड़ा हुआ वो इस वजह से खड़ा जिस दिन इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी कि ऑर्डिनेंस लाया जाएगा उसके बाद में एक माहौल बना और जहां तक तो मेरी जानकारी है सोनिया गांधी को जो हर्ट हुआ वो उस माहौल की वजह से इसलिए हुआ क्योंकि सारा आरोप सोनिया जी के खिलाफ था नेमली के उनके लिए हो रहा है जब उन्होंने खुद का अपनी तो स्टेट क्या है कांग्रेस पार्टी के पॉलिटिकल मैनेजर्स ने गलती इसमें पॉलिटिकल मैनेजर्स की तो अपोजिशन का मुद्दा था इसमें पॉलिटिकल मैनेजर्स की क्या बात है मैंने मैंने तो कभी अपने ख्याल में भी तो सोचा था कि अडवाणी जी जैसे बड़े नेता जो नैतिकता की बात करते हैं सिद्धांतों की बात करते हैं ये कहें कि ये विधायक जिसके लिए वो खुद बेनिफिशरी हैं ये केवल सोनिया गांधी जी के लिए लिया जा रहा है मुझे कभी इल्म ही नहीं था अगर ऐसा इल्म होता तो हम और तरीके सोचते लेकिन आपको एक और बात बताना चाहता हूँ संविधान में ऑर्डिनेंस की है ना वो आर्टिकल 123 में लिखा है ना कि ऑर्डिनेंस ला सकते हो वो असंवैधानिक तो नहीं है अगर संविधान में ऐसा वो अध्यादेश तो, असंवैधानिक नहीं है कानून विधेयक लाते तो वो भी असंवैधानिक नहीं है पार्लियामेंट को प्रॉब्लम क्या है अगर कोई कोई चीज असंवैधानिक नहीं है तो फिर फिर किसको क्या प्रॉब्लम अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सोनिया गांधी को ऐसी स्थिति क्यों क्रिएट किया क्योंकि को का मुद्दा ही एक है एंटी सोनिया गांधी अब मैं आपको क्या बताऊं आपको मालूम है इस बात का ऑपोजिशन यही चाहती है लेकिन अनफॉर्चुनेटली सोनिया गांधी जी जिसने प्राइम मिनिस्टरशिप छोड़ दी उसको सैक्रिफाइस कर दिया सोनिया जी क्या, क्या जनता इस देश की बिलीव करेगी जैसे अडवाणी जी कहना चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर छोड़ के वो एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट छोटा सा एन के चेयरमैन बन के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट चाहती हैं प्राइम मिनिस्टर ही छोड़ दी और ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ले लिया ये जनता को बताना चाहती है आप बताओ वो कुछ भी बन सकती थी तो सोनिया जी जी ने तो प्राइम मिनिस्टरशिप सेक्रीफाइस कर दी और ये ऑफिस भी सैक्रीफाइस कर दिया और इन्होंने क्या सेक्रीफाइस किया सारे सिद्धांत अपने ये है डिफरेंस बिटवीन द ऑपोजिशन एंड द कांग्रेस पार्टी अब आपकी क्या सलाह है क्या रास्ता निकाला जाएगा मेरी सलाह है कि पोलिटिकल पार्टीज को जरा मतलब के भेड़ चाल मत करो सोच समझ के आगे बढ़ो क्योंकि ऐसे राष्ट्रीय मुद्दे इस तरीके से सुलझाने सुलझने नहीं चाहिए बैठ के बाकी लोगों को जिनको भी बेनिफिट देना है तो और अगर आप डेफिनेशन लाना चाहते हो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की संविधान में वो बैठ कर तय कर लो कि क्या होना चाहिए और अगर सिद्धांतों की बात करते हो तो अपने लीडरशिप से रिज़ाइन करो लीडर ऑफ अपोजिशन से जसवंत सिंह जी भी रिज़ाइन करें और अडवाणी जी भी रिजाइन करें और सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी के रिजाइन करें आपकी ये सलाह होगी कि आप पार्लियामेंट का सेशन बुलाया जाए एक एक बिल बनाया जाए तो बुलाना ही पड़ेगा नहीं तो सब डिस्कालीफाई जैसे ये हो रहा है क्योंकि अडवाणी जी कहेंगे सब डिस्कालीफाई हो जाएंगे तो तो हो रहा है ना भैया क्योंकि तो जो हमने विधानसभाओं में देखने को मिला जो झारखंड की विधानसभा देखने को मिला तो के देखने को मिला मैं बताऊं आपको अब सोमनाथ जी बेचारे सही कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि मेरा पद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है शांति निकेतन को सरकार के अधीन थोड़ी ना है वो कहां से ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बना वो सही कह रहे हैं बेचारे भाई उनकी कौन सुनता है क्योंकि अडवाणी जी ने कह दिया कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है तो ये तो बड़ी गलत बात है हमारी राजनीति से जिस तरह से हो रहा है ना बात करनी चाहिए हमें लोगों को स्वच्छ पानी देने के लिए सैनिटेशन के लिए मतलब शिक्षा के लिए स्वास्थ्य के लिए जनता के बीच जाके उनकी सेवा करने के लिए और बात हो रही है कि अध्यादेश लाया जा रहा है आपके लिए लाया जा रहा है कमाल है अब ये और बता दीजिए कि ये जो ये जो अध्यादेश है इसका आइडिया किसका था किसी का ये तो संविधान कहता है नहीं नहीं कहा है कि कोई ऐसा अध्यादेश ऑफिशियली कोई दिलाया बातचीत शायद हो रही हो मुझे नहीं मालूम क्योंकि मैं उस बातचीत में शामिल नहीं था लेकिन जिसका भी आइडिया था अगर था तो गलत नहीं था क्योंकि यही अच्छा रास्ता था अगर नहीं था तो भी अच्छा है लेकिन लाना तो है ही है हमें राज्यों में भी लाना है केंद्र सरकार में भी लाना है लेकिन आप, आप ये नहीं बता रहे कि किसने किया नहीं गुफा अप तो अपोजिशन ने किया जो आरोप लगाया आरोप नहीं लगाते तो कोई दिक्कत ही नहीं लेकिन मेरे पास तो में प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट है प्रधानमंत्री ने कहा इस ऑर्डिनेंस के बारे में जब उनसे पूछा गया राष्ट्रपति भवन में उन्होंने कहा ऑल ऑप्शन वर ओपन ऑन ऑर्डिनेंस ऑन रीडिफाइनिंग ऑफिस ऑफ यही तो मैं कह रहा हूं मैंने भी यही कहा

मैं ये कह रहा मीटिंग से पहले ही मैसेज आ गया क्या मैसेज कि इस इस विषय पर चर्चा नहीं करनी चाहिए नहीं नहीं तो अच्छे तो तो आप, आप सवाल करते हो लेकिन देखिए अगर दे। अगर अगर ये बात इंडियन एक्सप्रेस में नहीं छपती तो शायद ये अलर्ट भी नहीं होता बात हुई इंडियन एक्सप्रेस ने छपी और जो रवैया ऑपोजिशन का था एक दिन पहले वो बदल गया और उन्होंने सोचा कि हमें अब मौका मिला है सोनिया गांधी जी को अटैक करने का तो उन्होंने अटैक किया सीधी बात है इट 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 इज 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 राजनीति एट इट्स वर्स्ट दैट्स व्हाट और उसका जवाब सोनिया गांधी उसका ने दिया बेस्ट जवाब वर्स्ट राजनीति एंड द बेस्ट जवाब आपकी अदालत में आज हम सफाई मांग रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता कपिल सिब्बल से आपकी अदालत में अगला कपिल सिब्बल आपकी अदालत में कपिल सिब्बल पर आरोप है कि इन्होंने मजबूरी को त्याग का नाम दिया कपिल आप अभी कह रहे थे कि ने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया और एक मास्टर स्ट्रोक सोनिया गांधी ने चला आप ये मानते हैं कि जो विरोधी दल थे उन्होंने जो कैंपेन किया था उसकी हवा निकाल दी सोनिया गांधी ने बिल्कुल हवा निकाल दी बिल्कुल निकाल दी और और कंसिस्टेंट विद द हाईएस्ट विदल वैल्यूज इन पॉलिटिकल लाइफ उन्होंने ये देखिए उन्होंने ये साबित कर दिया कि मैं मेरा किसी पद से लोभ नहीं है मैं कोई पद नहीं चाहती मैं जनता के बीच जाने को फिर तैयार हूँ अगर आप सोचते हो कि ये विधायक ला रहे हैं मेरे लिए तो प्लीज़ न मत लाइए ठीक है और फिर उसने उन्होंने ये भी साबित कर दिया कि ये विधायक फिर भी लाया जाएगा हाँ और फिर यही लोग जो विरोध कर रहे थे अपने लोगों को बचाने के लिए वोट करेंगे और यह साबित हो जाएगा कि वो लब वो जो पद के लिए उनको लोभ है और सोनिया गांधी जी को नहीं ये ये स्पष्ट कही लेकिन जो अगर समाजवादी बार, बार, समाजवादी पार्टी के नेताओं का बयान हमने देखा उन्होंने कहा कि जो गड्ढा जया बच्चन के लिए खोदा था उसमें कांग्रेस के प्रेसिडेंट खुद गिर गई कैसे कांग्रेस प्रेसिडेंट तो ने कह दिया कि मुझे वो चाहिए ही नहीं ये चीज जया बच्चन को कह दिया कि मैं दोबारा आऊंगी मैं दोबारा उस पद में आऊंगी उन्होंने तो पास कर दिया ना देखिए जो आरोप लगा रही थी ऑपोजिशन और अमर सिंह की पार्टी उन्होंने क्या किया समाजवादी पार्टी ने यूपी लेजिस्लेचर में क्या किया फैसले के बाद उसको मेंबर बनाया नहीं पास करके, कानून पास, किया कानून पास करके उसको एग्जाम्शन दिया सोनिया जी ने यह तो नहीं कहा सोनिया जी ने कहा मैं रिजाइन करती हूं आप और आरोप लगाते हो यह आपका इस्तीफा कपिल अगर जया बच्चन जी ये एक साल पहले करती तो शायद कोई बात बनती जब जया बच्चन के अगेंस्ट आपने किया है तो ये कहा जाता है कि आपने जो चक्रव्यूह किसी और के लिए रचा आप, आप खुद ही फंस गए हैं उस चक्रव्यूह में क्योंकि ये कहा जाता है जया बच्चन किसी और पार्टी से एसोसिएटेड हैं जो कि कांग्रेस के अगेंस्ट है तो बे, बेसिकली तो पॉलिटिक्स आप, आप भी तो खेल रहे हैं। हो कि कांग्रेस पार्टी इतनी गिरी हुई है कि वो जया बच्चन की सदस्यता के खिलाफ है कैसे कोई सोच सकता है इतनी बड़ी पार्टी किसी एक 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 के सदस्यता के खिलाफ है किसी ने कोई कर दिया हो पिटिशन इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस पार्टी का ये निर्णय था कि ऐसा करना है कपिल आपको लाल सोच ही गलत है देखिए मैं अगर, मैं नहीं समझता अगर बीजेपी बीजेपी का कोई 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 का, का, काम करने वाला किसी कांग्रेस पार्टी के, के, के मंत्री के खिलाफ कुछ करे तो मैं सोचता हूं कि सारी बीजेपी ने यह निर्णय ले लिया ये गलत है इंप्रेशन ये क्रिएट हुआ कि गांधी परिवार की और बच्चन परिवार की पुरानी तकरार है इसीलिए जया बच्चन मेंबर रहे ये बर्दाश्त नहीं होता था वेरी सैड वेरी वेरी सैड इफ पीपल थिंक लाइक दिस मैं तो दुखी प्रकट कर सकता हूं और कुछ कह नहीं सकता कपिल वो लोग कह रहे कि सोनिया गांधी को इस्तीफा देना मजबूरी थी क्योंकि डिस्कालीफिकेशन कैसे मजबूरी थी दस मई को विधायक ले आते कोई मजबूरी नहीं थी कौन सी मजबूरी जया बच्चन के खिलाफ जो मुकदमा चला एक साल पहले चला एक साल लगता मुकदमा खत्म होने में तो अगले सेशन तक दस मई तक हम विधायक ले आते उसमें क्या दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं लेकिन सोनिया जी ने यह बताया जनता को अगर आप सोचते हो कि विधायक मेरे लिए लिया जा रहा है तो लो मेरा पद लो मेरी लोकसभा की सदस्य सदस्यता अब मैं देखती हूं कि आप पार्लियामेंट में खड़े होकर क्या करोगे राजनाथ सिंह ने कहा कि पैर फिसल गया गंगा में गिर गए तो कह रहे हर हर गंगे तो ऐसा है ना कि पैर फिस, पैर उन्होंने सोचा सोनिया जी का फिसला असली तो इनका फिसला है फिसला ही नहीं ये गंगा में डूबते जा रहे हैं और कहीं ऐसा ना हो कि हमें ढूंढना पड़े इनको <laughs> यह बात सही नहीं है कि ऑपोजिशन ने अध्यादेश कोई इशू बना दिया था यह तो आप मानते हैं? सही है। ऑपोजिशन ने जब इसको इशू बना दिया उसकी वजह से एम्बेसमेंट हुई कांग्रेस पार्टी को सोनिया गांधी भी सही को। है और इसीलिए उनको लोकसभा से इस्तीफा देना पड़ा। नहीं ये सही नहीं है लोकसभा जो इस्तीफा दिया उन्होंने अपने बयान में कहा I am very pained at the fact that what is being said is that this something is being done by the central government only for me, only for me. I am very pained at that, and I am doing the right thing. This is the right thing to do, and I am doing the right thing. Sonia Gandhi said, "I am I am doing the right thing. But what was the opposition doing?" उन्होंने ये सबक सिखा दिया कि आपको जो करना चाहिए सही करना ये नहीं गलत बात नहीं जनता को बतानी चाहिए कि ये हम ये हम लॉ केवल सोनिया गांधी जी के लिए पास कर रहे हैं अपोजिशन की नेता ने एक गाना कोट किया एक फिल्म पड़ोसन का गाना है एक चतुर नार बड़ी होशियार अपने ही जाल में फंसत जाती ऐसा लग रहा है आपको ऐसा लग रहा है तो कई ऐसा, ऐसा आपको लग रहा है कि जो औरत जो आप शाइनिंग इंडिया कैंपेन के बाद बेचारी हमारी अध्यक्षा देश की जनता के पास गई सिंगल हैंडेडली उन्होंने कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाई तो आप सोचते हो कि वो अपने जाल में फंसी है कि कि किसी और को फंसा है ये तो मैं आपसे पूछ रहा हूं आपसे बता रहा हूं मैं आप पूछ रहे हैं मैं बता रहा हूँ फंसे तो ये लोग हैं और फंसते जाएंगे अगर ऐसी राजनीति करेंगे तो फंसते जाएंगे अभी इनके एक सौ है ना ये नब्बे से कम आ जाएंगे अगली बार लेकिन ऐसा नहीं लग रहा ऐसा ना हो क्योंकि अच्छा नहीं है देश के लिए ऐसे लोग भी कुछ पटक लोग, पट लोग हमें चाहिए थोड़ा सा ह्यूमर तो होना चाहिए ना इस देश में आपकी अदालत में आज हम जनता की तरफ से सवाल पूछ रहे हैं इल्जाम लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कैबिनेट मिनिस्टर कपिल सिब्बल पर।, पर आपकी अदालत में अगला इल्जाम कपिल सिब्बल पर आपकी अदालत में कांग्रेस पार्टी के नेता कपिल सिब्बल पर आरोप है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में पार्टी का स्टैंड साफ नहीं है कपिल अभी तक यह लगता है कि कांग्रेस पार्टी किसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मानती है किसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं मानती इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है ये क्लैरिटी तो संविधान में नहीं है मैं आपको तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर जयललिता का बयान बताता हूं उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी आज भी ऐसे ऑफिसेज में हैं जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है उन्होंने कहा चेयरपर्सन ऑफ दी राजीव गांधी फाउंडेशन एंड इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर ये इन्फ्लुएंस के ऑफिस है अगर उन्हें इस्तीफा देना था तो सब जगह से इस्तीफा देना चाहिए था इन्फ्लुएंस का ऑफिस है मतलब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अगर इन्फ्लुएंस का हो तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा अब 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 अगर, अगर आप जेलिधि जाके बयान मुझे कोट करके कहें कि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है तो यही तो बात मैं आपसे कह रहा था पहले अडवाणी जी कुछ कह रहे थे अब जयललिता जी, जी कुछ कहेंगी कल कोई और कहेगा आप बात मान लोगे अब मैं क्या बताऊं नहीं मैं बात नहीं मान लू मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एक कंफ्यूजन कंफ्यूजन है इसी की 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 बात करने, ही करने की कोई, कोई कोशिश नहीं जा राजा जी कंफ्यूजन की वो बात ही नहीं है आप मुझे बता दीजिए जी कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट डिफाइन कैसे करेंगे इट इज इम्पॉसिबल ऑफ डेफिनेशन कई चीजें ऐसी होती हैं डेमोक्रेसी को आप डिफाइन कर सकते हो इम्पॉसिबल ऑफ डेफिनेशन डेफिनेशन कई ऐसी चीजें हैं जो डिफाइन आदमी नहीं कर सकता और संविधान ने इसलिए किया है कि भाई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कैन नॉट बी डिफाइंड लेकिन अगर कोई ऐसा आपको लगे कि भाई कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है तो अगर पब्लिक सर्विस के साथ उस जुड़ा हुआ है तो उसको एग्जाम्पल दे दो आप इस, इस चीज को, को डिफाइन कर सकते हैं जो कांग्रेस के नेता है जिन पर आरोप लगे हैं या सीपीएम के नेता है जिन पर कहा गया कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल्कुल गलत क्या मोस्ट ऑफ दोज आर नॉट दो ऑफ प्रॉफिट उनको आपकी क्या सलाह क्या उनको भी इस्तीफा देना चाहिए बिल्कुल नहीं देना चाहिए ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है ही नहीं ये तो सोनिया जी ने कहा कि आप ऐसा आरोप लगा रहे हो मेरे मेरे ऊपर जैसे सारा विधायक मेरे लिए बन रहा है इसलिए इस्तीफा दिया उन्होंने लेकिन, लेकिन, ये जो बाकी पद हैं सोमनाथ जी सही कह रहे हैं मोहम्मद सलीम जी सही कह रहे हैं ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिनका ऑफिस से भी कोई मतलब नहीं है गुरुदास कामत है उन्होंने इस्तीफा दे दिया आज मध्य प्रदेश के सारे एम अपने इस्तीफे लेकर आ गए नहीं वो तो खैर उनसे पूछिए मुझसे सवाल के पूछते हो आपकी पार्टी लेकिन लेकिन जो आपने आज मुद्दा उठाया ना कि कन्फ्यूज एक बात आप नहीं कह सकते कि मैं कन्फ्यूज हूँ मैं बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं हूँ और इस बारे में स्पष्ट बात है मेरी कि ये सारा मुद्दा केवल राजनीतिक बेसिस पे लाया गया राजनीतिक कलर दिया गया इसमें ना कोई संवैधानिक तथ्य है ना कोई लीगल तथ्य है ये केवल सोनिया गांधी को अटैक करने के लिए लाया गया कपिल ये बात सही है कि आप कानून के जानकार हैं आपने बरसों तक सुप्रीम कोर्ट में बहस की है बड़े बड़े मुकदमे लड़े हैं पार्लियामेंट में भी किए हाँ। अब आप इसीलिए अब आप वकील के साथ साथ राजनेता भी हैं नहीं कम राजनेता वकील ज्यादा और अब जो आपको सवाल को जवाब देना पड़ रहा है वो नेता के तौर पर ज्यादा देना पड़ रहा है क्या करें आप ऐसी मुश्किल में डाल देते हो तो करना पड़ता है ना ऑपोजिशन ने यह भी कहा कि जिस तरह से लोग इकट्ठा होकर सोनिया गांधी के घर के बाहर प्रदर्शन करवाए जा रहे हैं ये सिर्फ इसलिए कि इसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश की जाए एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश ये की भी की एक जाए। गलत आरोप है ऐप आप आपने अभी इस्तेमाल किया लफ्स का करवाए जा रहे हैं उसका भी एक कलर है जैसे कि हम लोग करवा रहे हैं मैंने कहा ये आरोप ओपोजिशन के तो लोग ऑपोजिशन का यही ना वो ऐसा ही आरोप है कि ये विधायक सोनिया जी के लिया गया ये सब करवाया जा रहा है हम कभी ऐसी बात नहीं करते जब इन लोगों के ऊपर आरोप लगते हैं तो हम तो ऐसी बात नहीं करते हालांकि ये करवाते हैं फिर भी हम आरोप नहीं करते कोई ऐसी बात नहीं है लोग देखिए अपने आप प्रदेशों से आ रहे हैं टू टू हर देयर सॉलिडेरिटी विद मिसिज गांधी ठीक है और ठीक है ये राजनीति में अक्सर होता है इसमें कोई गलत बात नहीं है असल बात यह है कि ये राजनीतिक मुद्दा क्यों बना किस लिए बना किसको 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 हाम करने के लिए बना ये बात सारी स्पष्ट है आज के दिन लेकिन जिस जिस तरह से इस मुद्दे ने राजनीति की दिशा ली आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी को फ़ायदा होगा देखिए फायदा नुकसान की बात हमें सोचनी नहीं चाहिए क्वाइट फ्रेंकली फ़ायदा नुकसान की बात कल 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 स्थिति पलट सकती है ये बात नहीं है बात होनी चाहिए राजनीति में जिस हद तक हो सके सिद्धांतों की मिसिस गांधी जी ने किया किया ठीक किया मैं समझता हूँ और आगे जनता बताएगी क्या उसको फायदा होता होता है है या नुकसान होता है, ये तो भविष्य बताएगा और जनता बताएगी अगले चुनाव में आपकी अदालत में आज हमने मुकदमा चलाया कपिल सिब्बल पर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रह चुके हैं केंद्र सरकार में मंत्री हैं जाने माने वकील हैं और कपिल सिब्बल से हमने सफाई पूछी विरोधी दलों के उन आरोपों के बारे में जो सोनिया गांधी पर लगाए गए कांग्रेस पार्टी पर लगाए गए हमने कपिल सिब्बल से पूछा क्या सोनिया गांधी ने वाकई में त्याग किया है या फिर यह एक मजबूरी थी अब वक्त है आज की कार्रवाई पर आज के जज आलोक मेहता के फैसले का मिस्टर कपिल सिब्बल ने अपना कटघरे में रह कर के भी अपना केस बहुत अच्छी तरह लड़ा है लेकिन ये अच्छी बात है कि उन्होंने ये भी मान लिया कि गिरावट का अंदाज वो नहीं लगा पाए राजनीति में कमजोर होने की बात भी उन्होंने स्वीकार कर ली उन्हें गुनाह कबूल कर लेना भी अदालत के लिए हमेशा अच्छी बात होती है और जिस तरह से उन्होंने माना है कि आगे इस तरह की कोई गलत राय नहीं दी जाएगी उनके जैसे कानून मंत्री हों तो शायद और अच्छा रास्ता निकलता तो जनता के प्रॉफिट के लिए भी क्योंकि अभी ऑफिस और प्रॉफिट के लिए उन्होंने बड़ी पैरवी की है तो जनता के प्रॉफिट के लिए भी इसी तरह कानून विधेयक और कार्यक्रम बनाएंगे यही जनता की अदालत का फैसला है उन्हें बायज रिहा किया जाता है इस उम्मीद के साथ इस विश्वास के साथ कि कपिल सिब्बल इसी स्पिरिट से इसी भावना के साथ जनता के प्रॉफिट के लिए काम करते रहेंगे अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहेंगे और इसी तेज तर्रार तरीके से जवाब देते रहेंगे आज का मुकदमा यही खत्म करते हैं अगले सप्ताह फिर मिलेंगे आपकी अदालत में एक नई शख्सियत के साथ तब तक के लिए नमस्कार